देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम पूछा गया। इसको हम बनाते हैं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयात से एक समचतुर्भुज बनाया गया। भाई एक रेक्टेंगल है, आयात मतलब होता है रेक्टेंगल, जिसका साइड 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया, उससे एक समचतुर्भुज बनाया गया। समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस बनाया गया, जिसकी परिधि आयात की परिधि के समान थी। मतलब रोम्बस का जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोम्बस का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है और इसका एक कोण यानी रोम्बस का एक कोण 120 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस उसका एरिया पूछा जा रहा, बनाते तब समझ में आएगा। पहले हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है, आयात का परिधि निकालेंगे, जो निकलेगा वो रोम्बस के परिधि के बराबर होगा, ठीक है, समचतुर्भुज के परिधि के बराबर होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कर दे रहे आर ई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B होता है, यही होता ना। लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 12 8 20, 20 दूनी 40, यानी 40 निकल के आया। ये जो 40 पेरीमीटर निकल के आया रेक्टेंगल का, सेम आपका रोम्बस का भी है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा है। अब आगे देखिए, रोम्बस का कोण इतना दिया है और रोम्बस का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है, एरिया पूछा जा रहा है, समचतुर्भुज का एरिया, भाई एरिया पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए पहले हमको साइड निकालना होगा, साइड निकालना होगा, तो साइड कैसे निकालते हैं, पहले हम रोम्बस का डायग्राम बना लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये थोड़ा गलत है, ठीक है, हल्का सा झुका हुआ रहता है रोम्बस में, स्क्वायर बन गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइड कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, सॉरी कोण कितना दिया 120 डिग्री दिया है। रोम्बस का साइड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, साइड इक्वल होता। भाई रोम्बस तो निकालने आता है ना, रोम्बस का साइड तो निकालने आता है ना, पेरीमीटर दिया हुआ इतना, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4a होता है, 40 के बराबर है, तो a का वैल्यू कितना निकल के आएगा, a मतलब होता है साइड, कितना निकल के आएगा 10 निकल के आया, तो 10 10 10 तो लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे एरिया पूछा जा रहा है, समचतुर्भुज का एरिया, रोम्बस का एरिया पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, ठीक है, तो बनाते हैं इसको, हम क्या करते हैं ना, रोम्बस को ट्रायंगल के रूप में बदल देते हैं, ठीक है, दो भाग में बांट देते हैं। ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 120 को हम 60-60 में बांट देते हैं, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, जब ये 60-60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। ये क्या बना, एक इक्वलेटरल ट्रायंगल बना, ठीक है। इक्वलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, यहां पे लाइन दे दो यार, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, तो साइड कितना है 10, एक और 10 दे दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो √2 यहां पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं, 2 × 4 × 2 = 10 यानी 50√3 कहां है आंसर में, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, डाटा सिर्फ चेंज रहता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा।